गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आनंद मोटो ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आज का ब्लॉग ये है कि मैं अपनी बाइक की कुछ मेंटेनेंस करवाने जा रहा हूँ। जब हम सजियार जा रहे थे, डलहौजी राइड पे थे हम, जब सजियार जाते हुए मेरा हुई थी बाइक स्लिप, तो वहाँ पर ब्रेक पैडल मेरा टूट चुका था। तो भाई वहाँ तो मुझे मिला नहीं, वापस आते वक्त था वो डंडे, तो वैसे ही सारे सर्विस सेंटर बंद थे। बड़ा मैंने टू रीच ओवर हियर चंडीगढ़। तो और रास्ते में एक और प्रॉब्लम आ गई थी बाइक के अंदर। द प्रॉब्लम इज मेरी जो गियर शिफ्टिंग होती है उसकी जो शाफ्ट है वो फ्री हो गई। अब शाफ्ट फ्री होने से क्या हुआ, जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो गियर की जो लीवर है वो ऊपर ही रह जाता है, वो ऑटोमेटिक वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता। तो मैंने कंपनी में ऑर्डर किया था, फर्स्ट मैं पहले आया, मैंने उनसे पूछा कि भी क्या सीन है, दे टोल्ड मी कि शाफ्ट ख़राब हो गई है। तो फिर उनके पास थी नहीं तो ऑर्डर करी उन्होंने, तो फाइनली वो कल आ गई है शाफ्ट। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और साथ में ब्रेक पैडल भी ठीक करवाऊंगा इसका। तो भाई डलहौजी के आने के बाद से फ्यूलिंग तो मैंने बिल्कुल नहीं करवाई, इतना टाइम मिला तो सबसे पहले मैं करवाने वाला हूँ फ्यूलिंग। तो फ्यूलिंग करवा कर फिर हम निकलते हैं सीधा। तो भाई अभी हम आ चुके हैं KTM के सर्विस सेंटर, तो अभी अभी चेक कर रहे हैं बाइक को। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं भैया, क्या प्रॉब्लम आई है? गियर शाफ्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या कुछ एस्टिमेट बताओ मेरे को, क्या होगा क्या? वो मैं बात करवाऊंगा भैया से, बात करेंगे। ठीक है, तो भाई फाइनल हो चुका है गियर शाफ्ट की प्रॉब्लम है। भैया अभी तो अंदर है नहीं, तो अभी हम रुकते हैं वेटिंग रूम में, तो जैसे ही आते हैं हम आपको आगे बताते हैं क्या होगा ये शाफ्ट का। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ यहाँ सर्विस सेंटर में, तो यू कैन सी। तो फ्रेंड्स, अभी भैया ने चेक करी है हमारी बाइक, तो ही वो सेइंग कि शाफ्ट में ही प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। तो इन्होंने अभी तो मुझे एस्टिमेट बताया 1500 रुपीज़ का, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अभी ब्रेक का तो बताया ही नहीं है, वो ही कुछ 800 रुपीज़ समथिंग की पहले बताया था इन्होंने, तो अभी क्या है आई डोंट नो। तो लास्ट टाइम जब मैंने कंफर्म किया था शाफ्ट के लिए तो वो थी 400 की, अब आया तो 650 की बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बाइक चला रहे हैं तो रिपेयर तो करवानी है ना, तो लेट्स सी क्या होता है। अब भाई अंदर वैसे शूट करने के लिए मना कर दिया है, बट लेट्स कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी बाइक को तो शूट कर ही लूँ दिखा सकूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, अभी शाफ्ट चेंज होती है तो दिखाता हूँ कैसी लगती है शाफ्ट। तो ये अपनी धन्नो आ गई है, हेड ऑफ साउंड।
मुंह दिखाना उठाने को नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स इसका ये मेटल पार्ट था जो टूट चुका है, जिसकी वजह से गियर अपनी वापस प्लेसमेंट में आता है, बट ये टूट गया। तो अभी ये है हमारी नई क्रैंकशाफ्ट लीवर गियर शाफ्ट। ओहो 12 का C, जो ये वाला पार्ट है ये क्लिप है, ये क्लिप टूट गया था मेरी पुराने वाली बाइक के लीवर शाफ्ट के अंदर। तो लीवर गियर शाफ्ट बोलते हैं इसको। तो ये आ चुकी है हमारी नए वाली, और ये बाइक दिखाते हैं अपना। आप देख लो भाई काले हो गए। सो फ्रेंड्स मेरी बाइक ठीक होके आ चुकी है अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में क्या क्या हुआ है। सो यू कैन सी, एक मिनट जूम करके दिखाएं हम आपको। तो मेरी डली है असेंबली लीवर गियर शाफ्ट डलाई है मैंने, गैसकेट डली है, लीवर शाफ्ट पड़ी है मुझे 354 की, और गैसकेट मैंने डलवाई है ये 129, प्लस मेरा एक लीवर जो फ्रंट ब्रेक लीवर था वो भी थोड़ा सा बेंड हो चुका था, तो उसके प्राइस को 207 रुपये पड़ी है। तो मैंने कहा क्यों ब्रेक का मामला है, क्यों रिस्क लेना, तो मैंने चेंज करवा दिए। तो 207 हुआ है, टोटल बिल मेरा बना था 690 प्लस 3 यूनिट्स इनके लेबर चार्जेस पड़ते हैं, तो 354 रुपीज़ उन्होंने वो काटे, तो टोटल मेरा बिल बना 1044। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1500 रुपीज़ फॉर ओनली दैट गियर शाफ्ट लीवर के लिए, तो बट चलो थैंकफुली हो चुकी है बाइक मेरी अब ठीक। तो बाकी अभी मैं टेस्ट लूँगा इसके, चला के देखते हैं क्या फील आ रहा है क्या नहीं। सो विल सी यू ऑन। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरी जो गियर शाफ्ट थी वो चेंज हो चुकी है। तो जब मैं गया था उन्होंने देवर सेइंग 1500 रुपीज़, बट लकीली मेरा था सस्ते में काम सर गया। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके वही टेस्ट ले रहा हूँ कि कैसी चल रही है बाइक, तो अगर कुछ इशू आता था आई विल गेट बैक टू देम अगेन। तो फिलहाल तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत अच्छे से शिफ्टिंग हो रही है दोबारा से। तो बस यही आज हमारा व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं बाइक चला रहा हूँ अपना टेस्ट करते हैं, तो एक हर एक तो हर एक जगह रेड लाइट आ जाती है 2 मिनट बाद। इम्पॉर्टेंट थिंग भाई मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। सो टिल बाय एवरीवन, स्टे सेफ। So everyone stay safe and we'll meet in next vlog. So ab next vlog bahut hi interesting hone wala hai, so let's see kya hai. So bye everyone, take care.